नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आप सबका स्वागत करता हूं आज फिर से इस टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में। वायरलेस चार्जिंग आपने सुना होगा, क्योंकि अभी हर स्मार्टफोन धीरे धीरे वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर ला रहा है। और अगर आप बात करोगे हाई एंड फोन्स की, जो स्मार्टफोन है जैसे कि एसएल है, आईफोन एक्स है, एलजी के फोन्स है, वहां पे आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि वायरलेस चार्जिंग होती क्या है और वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करती है, और फिर हम जानेंगे इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और क्यों धीरे धीरे सारी कंपनीज वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी की तरफ भाग रही है। देखिए, वायरलेस चार्जिंग क्या होता है कि जब एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है बिना किसी फिजिकल मीडियम के, तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस चार्जिंग। और बेसिकली ये होता किसके थ्रू है? ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। तो वायरलेस चार्जिंग में जो पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारा खेल जो होता है वो होता है एनर्जी ट्रांसफर का। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि वायरलेस चार्जिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो वो मिल जाती है आपको आपके स्मार्टफोन्स में, जहाँ पे आपको अपने स्मार्टफोन को सीधे किसी वायरलेस इंडक्टिव पैड पे रखना होता है, जहाँ पे आपका फोन ऐसे रखते ही जो एनर्जी है वो आपके वायरलेस पैड से आपके फोन में ट्रांसमिट होती है, और फिर आपके फोन की जो बैटरी है वो भी होने लग जाती है चार्ज। तो देखिए, इससे होता क्या है, इससे लाइफ कितनी आसान हो जाती है, क्योंकि जब आप वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉस्ट है फिजिकल मीडियम की, मतलब जो कॉस्ट आती है वायर की, जिसको आप अपने एडेप्टर में कनेक्ट करते हो और फिर उसकी माइक्रो यूएसबी केबल को आप अपने फोन के अंदर डालते हो, वहां पे क्या होता है कि ये जो कॉस्ट आती है वायर की वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे सीधे आपको अपना फोन रखना होता है। उसके साथ ही जो ट्रेडिशनल मेथड है वहां पे आपको बार बार जो वायर है उसको प्लग करना होता है, अनप्लग करना होता है, स्विच ऑफ करना होता है, स्विच ऑन करना होता है, इसमें जो पावर का लॉस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम वायरलेस चार्जिंग की, तो यहाँ पे जो पावर का लॉस है वो बहुत ही मिनिमल होता है। तो चलिए जानते हैं कि वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करती है। तो एनर्जी कभी भी एक चीज पे नहीं बैठती है, एक जगह पे नहीं बैठती है, हमेशा ये ट्रांसमिट होती है और किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गर्मी लग रही है, आप घर में आए, आपने स्विच ऑन किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और आपके पंखे तक गया और फिर आपका पंखा घूमना शुरू हो गया। तो आपने क्या इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपको वापस क्या मिला, हवा मिला। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो कंज्यूम हुई और फिर वो कन्वर्ट होकर हवा की फॉर्म में आपके पास आ गई। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर का, जब भी आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो आप स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको हीट प्रोवाइड करती है और फिर आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ दोस्तों, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो आपके सोलर पैनल, आप क्या करते हो, एक सोलर पैनल आप अपने छत पर लगा देते हो, उसके बाद क्या होता है, सूरज की जो एनर्जी आती है, सूरज की जो रेडिएशन आती है वो गिरती है आपके सोलर पैनल पे और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप देख सकते हो कि आप किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से उठा के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनर्जी जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, ये क्या होती है, ये हमेशा फ्लो करती है। तो उसी तरीके से हम बात करें वायरलेस चार्जिंग में, तो क्या होता है कि एक सिंपल सा पैड होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है। बेसिकली ये कॉइल जो बनती है ये कॉपर की वायरिंग से बनती है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है वो इतनी तेजी से रोटेट होती है वहां पे कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो अब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप अपना फोन उस डिवाइस के ऊपर रखते हो तो आपके फोन के अंदर भी वो सेम सर्किट पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है आपके पैड से वो एनर्जी ट्रांसमिट करती है आपके फोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में। तो उसकी वजह से आपका जो फोन का सर्किट है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और फिर एनर्जी ऐसे ट्रांसमिट होने लगती है आपके फोन के अंदर। फिर आपके फोन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है वो क्या करता है, वो उसको वापस रोटेट करता है और फिर उस डीसी करंट की वजह से आपकी जो बैटरी है वो हो जाती है चार्ज होना स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम समराइज करें और सिंपल तरीके से देखें तो क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में, वहां पे मैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट हुआ, वो ट्रांसमिट हुआ आपके फोन के डिवाइस में, आपके फोन ने उस मैग्नेटिक रेडिएशन को कन्वर्ट किया डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में और उस डीसी करंट ने आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक एनर्जी को दो फॉर्म में कन्वर्ट किया और हम दोबारा उसको कन्वर्ट करके ले आए अपनी बैटरी के अंदर। तो ऐसे काम करती है आपकी वायरलेस चार्जिंग, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने एनर्जी यहाँ से पुश करी, में एनर्जी चेंज हुई थोड़ी बहुत और फिर दोबारा अपने फॉर्म में आके आपकी बैटरी के अंदर स्टोर हो गई। तो इस तरीके से आप अपने फोन को एक पर्टिकुलर सरफेस पर रख के अपने फोन को आप चार्ज कर सकते हो। तो
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या कमाल की चीज है, और अगर ये वायरलेस चार्जिंग हर जगह इंप्लीमेंट कर दी जाती है तो आने वाला फ्यूचर कितना ग्रीनर हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना इकोनॉमिकल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करती है। आने वाले टाइम में आपको वायरलेस चार्जिंग हर चीज में मिलने वाली है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बात करो स्मार्टफोन की, वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, स्मार्ट कार्स मतलब की इलेक्ट्रिक कार्स में वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। इसके साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, ताकि यहाँ पे मैं ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचा पाऊँ सबसे पहले। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।